चांदी थाना क्षेत्र के चांदी बाजार के समीप आज अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से उप मुखिया पति की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश दिखाया, जहां गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और उनके द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पथराव की घटना में पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही कोलवर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस के जवान भी घायल होने की सूचना मिल रही है। मौत से गुस्साए ग्रामीणों द्वारा आरा शहर मुख्य पथ पर आगजनी कर जाम कर दिया गया। मृतक चांदी थाना क्षेत्र के नरही गांव निवासी 55 वर्षीय हरेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं, जो सकड्डी पंचायत के उप मुखिया शोभा देवी के पति हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नरही गांव निवासी हरेंद्र सिंह आज सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर चांदी बाजार गए हुए थे। वे जैसे ही बाजार कर अपने घर लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया और उनकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण आरा सहार मुख्य पथ पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर मौके पर स्थल पर पहुंची। पुलिस को विलंब से आते देख ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोलते हुए उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक व्यक्ति की इसमें एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, हम लोग उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसमें जो भी रोड जाम हुए उसमें अक्सर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई उसकी जाएगी। परिवार को चोट भी आई है वो हम लोग देख रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं अक्सर जो भी होगी इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्त हुई है सर, शिनाख्त हुई है एक व्यक्ति लोकल यहाँ के। एक घंटा के बाद में